हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 11.6। ये एक्सरसाइज बेटा आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा रहता है, दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज नॉट एग्जामिनेशन ड्यू, ठीक है। बट आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आप देखिए, इसका मतलब ये है कि दो सर्किल हैं और जो एक सी और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके सेंटर जो लाई किए हैं ए बी, ये जो सेंटर लाई किया है आप देख रहे हो, इनके द्वारा इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सी पर और डी पर जो एंगल बन रहा है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको आपको प्रूफ करना है। तो आप अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए सी को हमने ज्वाइंट कर दिया, ए डी को ज्वाइंट कर दिया, बी सी को ज्वाइंट कर दिया और बी डी को ज्वाइंट कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ए सी बी और दूसरा ए डी बी, एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल आपके बने हुए हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। अब ए सी इक्वल ए डी, ए रेडियस है, ठीक है, इस ग्रेटर सर्किल की। दूसरा ये बी सी इक्वल बी डी, ए बी रेडियस है आप ग्रेटर सर्किल और ए बी आपका कॉमन हो जा रहा है। तो इस तरीके से ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सी पी सी टी हम लोग लिख सकते हैं ए सी बी इक्वल ए डी बी, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। बाई ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे बेटा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर टू, टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर वन अपोजिट साइड ऑफ इट सेंटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इक्वल 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आप देखिए, दो कार्ड हैं और ये सेंटर के अपोजिट साइड में है, दोनों पैरेलल हैं। एक मान लीजिए ए बी एक कार्ड है और दूसरा ये सी डी कार्ड है। इन कार्ड की लेंथ दिया हुआ है, आप ये देखो ए बी ये आपका 5 सेंटीमीटर और सी डी ये 11 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको करना क्या है, इस दोनों जो कार्ड पैरेलल हैं, पॉइंट ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन और ओ से सी डी पर परपेंडिकुलर लाइन, फिर ओ को ए से ज्वाइंट करना है, ओ को सी से ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया और यहाँ देखो ई एफ के बीच की डिस्टेंस ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें अगर हम ओ ई को 1 सेंटीमीटर ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये आर की डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और एक बात और ये ध्यान में रखना है कि हम जानते हैं ओ ई इस पर कार्ड पर ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो कार्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी ए ई इक्वल ई बी भी होगा, ठीक है। तो ये 5/2 ए ई और ये एक्स और ये आपका आर है मान लिया, तो ये राइट एंगल, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर लें। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में ए ई ओ में हमने यूज किया ए ओ स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इस ट्रायंगल में हम यूज करें, ठीक है, इस ट्रायंगल में तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल ये 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ आर स्क्वायर इक्वल है, इन दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। अब आप जब इक्वल करोगे, ये आपको इक्वल करने के बाद इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आप देखो, ये पूरा
सिंप्लीफाई मतलब इसका ए माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर कर लेना बेटा, ठीक है, ये इतना आया, सिंप्लीफाई किया तो आपका 12x इक्वल ये 96 बाई 4 प्लस 36 आया, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब आप देखो 12x इक्वल 24 प्लस 36, ये 96 4 से डिवाइड कर दिया था बेटा, ठीक है, तो ये 12x इक्वल 60 यानी x इक्वल आपका 5 आ गया, ठीक है। अब r रेडियस में बताना था तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो जब पुट किया तो x स्क्वायर यहाँ था तो 5 का स्क्वायर यानी इसको सिंप्लीफाई करना है तो 125 बाई 4 इसका स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 5 बाई 2। तो इस तरीके से बेटा ये हम जो है इसका क्या ये आपका सर्किल का रेडियस फाइंड कर लिए, ठीक हो गया बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है दी लेंथ ऑफ टू पैरेलल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर कार्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कार्ड फ्रॉम द सेंटर। ये भी बेटा सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, तो इसको फिर भी चलो ए बी और ये सी डी ये दो पैरेलल एक ही तरफ सेंटर की तरफ है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, एक कार्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर दूसरे की 8 सेंटीमीटर। अब आप देखो इसमें जो एक है द स्मॉलर कार्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से जो स्मॉलर कार्ड यानी 6 सेंटीमीटर ए बी है ये यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो यहाँ इसको ओ ए मिला दिया, ठीक है, ओ सी ज्वाइन कर दिया। अब आप देखो ये उसी तरीके से ए यहाँ फिर ए ओ ई में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ जैसे आप जानते हो कार्ड को ये परपेंडिकुलर हैं तो बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये 6 सेंटीमीटर था 3 सेंटीमीटर हो गया और 4 सेंटीमीटर ये है तो आर ये हमें निकालना है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत आसान से कैलकुलेशन थे इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं ले रहा हूँ बेटा, इसको समझ इसको करने के लिए तुम्हारे लिए था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ये ओ एफ की डिस्टेंस हमें बतानी थी, ठीक है, इसकी क्या डिस्टेंस है, तो ये 5 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया, ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल आपका कितना आ जाएगा ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ भी पाइथागोरस ही अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। अब ये देखो जैसे ये 5 आर स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, अब आर आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर 9 ओ एफ इक्वल 3 और ये जो सेंटर से ये लार्ज जो ग्रेटर आपका कार्ड था, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्ड था उसकी डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये आपको सॉल्व करना था। ये तो रहे बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, आप जो है इसको सॉल्व करना। रही बात अब क्वेश्चन नंबर 4, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्किल एंड लेट दिस साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट कार्ड ए डी एंड सी ई विद दिस सर्किल प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई द कार्ड ए सी एंड डी ई एट द सेंटर। अब ये आपको ध्यान देना है बेटा, ये पहले आप फिगर ये देख लो, जैसे ये आपका एक ट्रेंगल है ए बी सी, ये आपका बी पॉइंट बाहर है, इस सर्किल के बाहर लोकेट है और एक आपका ओ सेंटर है जो ए सी डी ई से पास होकर के ये जा रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी ई ए बी सी इक्वल
ए ओ सी माइनस डी ओ ई बाई टू, यानी 1/2 एंगल ए ओ सी माइनस डी ओ ई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब आप देखो कैसे प्रूव करोगे। जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया, आप देखो ए ओ ई ए ओ सी ये हमने लिया, ठीक है, यह एंगल इसके रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है, ए ई सी का ये ट्वाइस है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये 1/2 एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल ए ई सी, ठीक है, मतलब यह एंगल आपका इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूव किया था, ठीक है। अब आइए आप देखें, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये जो है जैसे डी ओ ई ये आप ले लिया ये एंगल, ठीक है, और यह एंगल आप देख रहे हो कि ये किसके, डी सी ई इसके जो है हाफ होगा, इसका जो है हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस है, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है, ये सेकंड लिख लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ओ सी ये देखो 1/2 कॉमन ले लिया, ए ओ सी माइनस डी ओ ई कर लिया, ठीक है, ऐसे इधर आपका ए ई सी माइनस डी सी ई ये आपका आ गया थर्ड, इसको मान लिया। अब आपको और एक चीज ध्यान में रखना है बेटा, जैसे इस सेम लाइन सेम सेगमेंट ए सी पर ए ई सी इक्वल ए डी सी, ठीक हो गया, ऐसे इधर के लिए आप जो है सेम कार्ड ये है आपका जैसे डी ई ये आप जो है लिए, तो इस पर जो ये एंगल बना है यानी ये डी सी ई इक्वल डी ए ई, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आप देखें इनको हमने इस तरीके से एक को फोर्थ और दूसरे को फिफ्थ दे दिया, तो अब आप देखो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं। आप देखो इसमें 1/2 एंगल ए ओ सी माइनस डी ओ ई, ठीक है, इक्वल अब देखो डी ए ई प्लस एंगल ए बी डी। अब आप देखो इसको हम लोग कैसे लिखें, ये आपको थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ जो है इसको जैसे ये आपका यहाँ था क्या ए ई सी, ए ई सी ये एंगल था, ठीक है, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल्स का ये सम है, क्यों है, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इस एंगल का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक हो गया। तो अब आप देखो इसमें इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जैसे ई सी डी प्लस एंगल ए बी डी ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखो ये ई सी डी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये लिखा आपका, और उसके बाद डी ई सी ए भी आपका था, ठीक है, और डी ई सी के प्लेस पर भी हम लोगों ने डी ए ई लिखा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। आपका बचा क्या, एंगल ए बी डी, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक हो गया बेटा, ये आसानी से इसको हम लोग प्रूव कर सकते थे, ठीक है। आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन विथ एनी ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज ए डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। अब आप देखो एक रोम्बस है, ठीक है, और रोम्बस के डायगोनल हम जानते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ए 90 डिग्री पर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ए 90 डिग्री, अब उसके बाद आपका जो रोम्बस है, रोम्बस के
किसी भी साइड्स को एज ए डायमीटर आप सर्किल ड्रा करोगे तो वो पॉइंट ओ से यानी उसके सेंटर से पास होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल्स 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ए ओ बी इक्वल 90 ये हो गया है और ये सर्किल आपका पॉइंट ओ से पास कर रहा है, तो इसलिए ये जो है आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द डायगोनल, इस तरीके से जो सर्किल है वो हमारा क्या जो है कहाँ से पास होगा, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक हो गया बेटा, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, द सर्किल थ्रू ए बी सी इंटरसेक्ट सी डी, प्रोड्यूस इट नेसेसरी एट ई एंड प्रूव दैट ए ई इक्वल ए डी। अब आप इसमें देखो बेटा, ये आपको ये प्रूव करना, पहले फिगर आप देख लो, इसमें दो फिगर आप बना सकते हो, जैसे एक फिगर ये अगर डी पॉइंट हमने बाहर बना सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, दूसरा हम ए डी पॉइंट अंदर भी बना सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक आप बना करके कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा, करना क्या है, जैसे ए बी सी ई ये आपका जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें जैसे बी सी के पैरेलल ए पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया और सी ई को प्रोड्यूस किया जो पॉइंट डी हुआ। अब हमें इसमें यही प्रूव करना है, ए ई इक्वल आपका ए डी, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके, आप देखिए ये बी सी डी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम में एंगल वन इक्वल एंगल ये आपका थ्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ऐसे आपका जो है एंगल टू, ठीक है, ये जो है आपका जैसे एंगल टू ये मान लिया, तो ये भी एंगल आपका क्या है फोर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप देखिए कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, ए बी ये ए बी और ए सी डी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मिल करके क्या होंगे 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वन प्लस एंगल टू इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, ये बी के लिए बताया जा रहा, इसी तरीके से आपका सेम देख लो ई के, ये जो है ठीक है, इसके लिए एंगल वन प्लस एंगल सिक्स, ठीक है, 180 डिग्री यानी एंगल वन आपका और ये एंगल सिक्स है, ये कैसे है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों का सम 180, एंगल वन प्लस एंगल सिक्स 180 डिग्री। अब आप देख लो ये एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स ये 180 डिग्री एंगल, ये कैसे होंगे, ये लीनियर पेयर हो गए ये। ठीक है, अब आप देखो कि जब ये और इसका सम 180 और ये दोनों का सम 180, तो ये एंगल सिक्स आप निकल जाएगा। ठीक है, इसको अलग कर दें। ठीक है, कैसे ये कट जाएंगे, यहाँ आप देख लो, यहाँ ये, तो ये दोनों आपस में क्या करें, ख़त्म हो जाएंगे, इधर दोनों इक्वल थे तो दोनों इधर भी ये कट जाएंगे फ्रॉम, तो एंगल वन इक्वल एंगल फाइव हो गया, ये एंगल वन इक्वल एंगल फाइव हो गया। अब देखिए एंगल वन और फाइव जब ये आपका हो गया है तो, और एंगल वन इक्वल एंगल थ्री के है, तो एंगल थ्री इक्वल एंगल फाइव हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ए ई डी एक आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलस ट्रायंगल में जब ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी ए ई इक्वल ये क्या हो जाएगा, ए डी के। ठीक है, ये प्रूफ करना था, और इसी तरीके से बेटा इसमें भी आपको प्रूफ करना है। अब आप देखो जैसे ये एंगल वन इक्वल एंगल थ्री के है, एंगल फोर इक्वल एंगल टू के है, एंगल टू इक्वल एंगल फाइव करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है,
ठीक हो गया। अब आप देखो उसके बाद जो है एंगल 1 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 6, यानी एंगल 2 इक्वल एंगल आपके किसके हो गया, ये 6 के, ये एंगल और इसके इक्वल हो गया। और ये आप देखो एंगल 1 इक्वल एंगल आपका क्या है, ये एंगल 1 नहीं, एंगल 2 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6 ये भी आपस में इक्वल हो गए, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसमें ए ई इक्वल ए डी, जैसे इसमें जो है, तो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, बाहर बना करके इंटीरियर में भी बना करके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सी एंड बी डी आर कार्ड ऑफ ए सर्किल व्हिच बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट ए सी एंड बी डी एज ए डायमीटर, ठीक है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब आप देखिए एक जो है ए सी और बी डी एज ए डायमीटर, इनको प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करने के, ये भी ये ध्यान दीजिए, ए सी और बी डी ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ये आपका ओ डी, ये आपका गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एज ए डायमीटर आपको प्रूव करना है, ठीक है, तो प्रूव करना है डायमीटर में, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए जब हम इसको डायमीटर प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये ट्रायंगल ले लिया और दूसरा बी ओ सी हमने ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, कांग्रेंट दिखा लें, तो कांग्रेंट दिखाएंगे। अब आप देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ए ओ डी इक्वल बी ओ सी इसके इक्वल हो जाएगा, तो बाई एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे, ठीक है। जब कांग्रेंट हो गए तब बाई सी पी सी टी हम लोग कह सकते हैं ए डी, ए डी इक्वल किसके हो गया, बी सी हो गया। अब आप देखिए जब ये आपके इक्वल हो गए, ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम इनको दिखा सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी एंड डी ओ सी, इसको हम लोग दिखा सकते हैं कांग्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जब कांग्रेंट दिखा देंगे तो ए बी इक्वल ये आपका क्या हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जब ए बी इक्वल आपका ये सी डी हो गया, तो इसके मतलब आपका क्या हो गया कि इसमें अगर हम ध्यान दें ए बी और ये बी सी, ठीक है, ये बी सी, ये दोनों को इसको हम ऐड कर दे रहे हैं दोनों आर को, और ये हम एक बात ध्यान में और रखना है क्योंकि ये अगर इक्वल कार्ड है तो इक्वल आर्क भी हमारे होते हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ए बी सी ये हो गया, और ऐसे इधर का आपका ये आपका क्या हो गया, बी सी डी, ये जो आपको देख रहे हो इसको, ये यानी ए सी आपके जब ये कार्ड्स आपके आर्क इक्वल हो गए, ठीक है, और इधर का आर्क ये इक्वल हो गया, तो आर्क इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से ए सी और बी डी ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, एज ए ये जो डायमीटर है, ठीक है। आइए अब देखें इसमें 90 डिग्री, ठीक है, अगर हमें रेक्टेंगल दिखाना है तो सभी एंगल्स 90 डिग्री। अब आप ध्यान दो कि जब ये आपने ये डायमीटर जब हमारे हो गए ए सी और ये आपके क्या हो गए, बी डी डायमीटर हो गए, तो अगर ए सी हम जैसे डायमीटर लेते हैं तो हम जानते हैं सेमी सर्किल पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो एंगल ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे एंगल डी भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री। और ऐसे बी डी अगर आप लेते हैं तब भी आप ये क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी 90 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब रही बात ये, यहाँ आप देखो ए सी इक्वल बी डी है ये हम लोगों ने देख रखा है,
ठीक है। अब AC आप देखो, AC इक्वल BD, ये हम लोगों ने देखा है। तो ये कार्ड भी आप अभी प्रूफ भी किए थे, यहाँ तक ये इसके यानी ABC इक्वल BCD, ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो ऐसे इसको जो है DC और DC हटा दिया, तो AD इक्वल BD, यानी AD आप देखो, AD इक्वल आपका किसके हो जा रहा है, ये BC के, ठीक है। AD इक्वल BC, ये आपके इक्वल हैं। अब आप देखो, AD इक्वल जब BC इक्वल कार्ड हो गए, ऐसे हम AB इक्वल DC कर सकते हैं। तो आप अगर अब देखो, सभी को वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सबको ऑब्जर्व करो, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गए, ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री भी हो गया। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया था, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्किल एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल ऑफ द ट्रेंगल 90 माइनस a/2, ठीक है, और 90 माइनस b/2 एंड 90 माइनस c/2। अब आप इसमें आप देखो बेटा, जैसे ए बी सी एक आपका क्या है, ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक हो गया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि इसमें इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्किल एट डी, ठीक है। अब आप देखिए, एक जो है ये जहाँ ये डी ई एफ ये हैं, इनको एंगल ए का ए डी बाइसेक्टर है, ये एंगल ए के ये क्या है, बाइसेक्टर है। ऐसे एंगल बी का बाइसेक्टर आपका बी ई है, और ऐसे एंगल ये सी का बाइसेक्टर सी एफ है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ये एंगल कौन एंगल 90 माइनस ये 90 माइनस a/2, ठीक है। मतलब आपका यह एंगल जो आपका है एंगल डी, ठीक है, ये इक्वल 90 माइनस a/2 इस एंगल के। ऐसे एंगल आपका ई 90 माइनस b/2, एंगल्स एंगल एफ ये 90 माइनस c/2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए, अब जैसे इसको एंगल बाइसेक्टर के कारण एंगल वन इक्वल एंगल टू नाम दे दिया, एंगल ये जो है सब आपके 3, 4, 5, 6 ये नाम दे दिए, और सबको हम लोग इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एंगल वन इक्वल एंगल टू एंगल a/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब आप ध्यान में रखना है, सिंस दी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, यानी एंगल 9 इक्वल एंगल 3। अब आप देखो, जैसे ये एंगल 9 इक्वल एंगल आपके 3, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ई आपका ये क्या है, सेम आर्क है या सेम सेगमेंट आप देख रहे हो। तो ऐसे ये 9 इक्वल 3, अगर हमने ये लिया ए एफ लिया, तो ये एफ जब आप लिया, तो ये आपका कौन सा एंगल देख रहे हो, इस पर 5 इक्वल 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सारे एंगल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, यहाँ इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, दोनों को ऐड किया, एंगल 9 प्लस एंगल 8 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 5। तो एंगल 9 प्लस 8 को एंगल हम डी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ये देखो, 3 को हम लोग एंगल 3 को b/2, ठीक है, और एंगल 5 को हम लोग c/2 इस तरीके से ये लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसको, जैसे एंगल ई इक्वल a/2, और सिमिलरली इसी तरीके से a/2 c/+c/2, एंगल एफ को a/2 + b/2 ये हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देखो, ये हम जानते हैं डी ई एफ में एंगल डी प्लस ये एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल 180 डिग्री, ये आप ध्यान में रखना, ये डी ई
या ईस्ट ट्रायंगल में, ठीक है, और तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। अब आप वैल्यू रखें, एंगल डी इक्वल 180 माइनस एंगल ई प्लस एंगल एफ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको वैल्यू ट्रांसफर कर दिए दोनों। अब इनकी एंगल ई और एंगल एफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, ये रख दिया ए बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, इनको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब देखो एक ए बाई टू हमने बाहर निकाल दिया और ए इसको हम लोगों ने ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस 90, ठीक है, और माइनस ए बाई टू इधर है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ क्या आ गया 90, यानी एंगल डी इक्वल 90 माइनस ए बाई टू। ये हम लोग इस तरीके से ये प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसे सिमिलरली आपका एंगल ई एंगल एफ भी आप प्रूव करोगे, ठीक हो गया, ये बहुत कठिन नहीं है, केवल आइडेंटिफाई करते हुए आप प्रूव करोगे तो बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टू कांग्रेंट सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, थ्रो ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी क्यू लाई ऑन द टू सर्किल, प्रूव दैट पी बी पी इक्वल पी क्यू। अब आप ध्यान दो, ये आपके टू कांग्रेंट सर्किल हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थ्रो एक लाइन जो है पी क्यू पॉइंट ए से पास किया गया है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। अब आपको ये ध्यान दो, ये प्रूव करना है कि आपको बी पी यानी ये बी पी इक्वल ए बी क्यू, ये आपको प्रूव करना है। तो आप प्रूव कैसे करोगे, ये आप ध्यान दो, पहले क्या करो ए बी को ज्वाइंट कर दो, ठीक है। अब ए बी आपका सेम, ये आपका क्या हो गया, ए बी आपका ये कॉमन कार्ड हो गया, ठीक है। तो इसके मतलब ए ए सी और बी और उसके बाद आपका ए टी बी, ये आपके क्या हो गए, दोनों आर्क इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंस इक्वल आर्क ऑफ टू इक्वल सर्किल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, देन वी हैव एंगल वन इक्वल एंगल टू, ये ठीक है, ये एंगल एंगल टू के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपके आर्क इक्वल है, इनके द्वारा जो ये आर्क इक्वल हैं और ये दोनों सर्किल आपके कांग्रेंट थे, ठीक है, तो इनके द्वारा जो आर्क ये एंगल और इसी के द्वारा यहाँ जो जैसे मान लो बना होता, यही यहाँ बना हुआ है, तो इस पर ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो एंगल वन इक्वल एंगल टू हो गया। अब ये आप देख लो कि पी क्यू बी में एंगल वन इक्वल एंगल टू हो गया तो आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलस ट्रायंगल जब हो गया इसके मतलब ये हो गया कि बी पी इक्वल ए पी क्यू, आपके साइड्स इक्वल हो गए, ठीक हो गया बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, इन एनी ट्रेंगल ए बी सी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, इंटरसेक्ट, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी। अब आप देखो ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी सी एक ट्रेंगल है, ठीक हो गया, ये सर्किल पासेस थ्रू इट वर्टेक्स, एक सर्किल इनके वर्टेक्स से पास हो रहा है, ए बी सी से पास हो रहा है, और एंगल ए का बाइसेक्टर ए पी, ये जो है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है, और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए लाइन एल है जो पॉइंट पी पर ये कट कर रहा है। अब ये पॉइंट आपको दिखाना है कि ये पी पॉइंट इस सर्किल पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब आप देखो
सिंस एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, यानी आपका क्या हो गया बीपी इक्वल पीसी। ठीक है, कैसे ध्यान देना, ये सीधी सी बात, ये आप ध्यान दो कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जा रहा है, एक तरीके से इसको अगर इस लाइन का बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका क्या जो है, क्या नाम, कार्ड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आइसोसेलस एक ट्रायंगल भी बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ए बी पी इक्वल आपका पी सी होगा। अब आप देखो एंगल वन इक्वल एंगल टू, ये आपका दिया है क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक हो गया, अब आप देखो फ्रॉम वन एंड टू से, ठीक है, ऑब्जर्व दैट इक्वल लाइन सेगमेंट ऑफ द सबस्टैंडिंग इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट दैट इज पॉइंट ए ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ए बी सी, देयरफॉर बी पी एंड पी सी एक्ट एज कार्ड ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बी पी एंड पी सी एक्ट एज पार्ट ऑफ सर्कम सर्किल, हेंस पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कम सर्किल, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं पॉइंट ए बी पी सी आर कौन साइक्लिक। ठीक है, ये यानी कौन साइक्लिक होगा। ठीक है, यही हमें बेटा इसमें प्रूव करना था। आज इतना ही, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू बेटा।